न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली में जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव फैलाया गया उसके पीछे का मकसद क्या था, कौन लोग थे, इरादा क्या था, टारगेट क्या। दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास का इलाका, हौश काजी, लाल कुआं, और वहाँ पर जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव फैलाया गया, उसका शिकंजा जिस तरह से मजबूत किया गया, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली सांप्रदायिक तनाव में झुलस सकती है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में तमाम कोशिशों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव का शिकंजा कुछ ढीला हुआ। कम से कम जिस दुर्गा मंदिर को लेकर हंगामा था, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, शोभा यात्रा निकलनी थी, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया, शोभा यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा, बिना किसी हिंसा के, बिना दूसरे समुदाय के उग्र हुए, उग्र ही नहीं, वह पूरी तरह से उसके साथ जिस तरह से आया, उससे कम कुछ समय के लिए हम ये मान सकते हैं कि इस इलाके में जो सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा था वह सफल नहीं हुआ। दिल्ली के हौशखाजी इलाके में तनाव के बाद जिस तरह से दुर्गा मंदिर पर पत्थरबाजी के दौरान जो शीशे टूटे थे और मंदिर को कुछ नुकसान हुआ था, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुस्लिम इलाके से, गली गली से नारों नारे निश्चित तौर पे जय श्री राम के नारे थे, हिंदू जागो के नारे थे, नगाड़े बज रहे थे, लाठियाँ थीं, त्रिशूल था। इन सब के साथ जो शोभा यात्रा निकली वह भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत तो नहीं दे रहे। लेकिन हमने ये देखा कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं और खास तौर से मुस्लिम धार्मिक नेताओं और जो वहां के लीडर्स हैं, उन्होंने खास तौर से नौजवानों से जो अपील की थी, उनसे कहा था कि वे घर के अंदर रहें, तनाव में ना आएं और कोई भी उग्र हरकत ना करें जैसे पिछली बार हुई थी, उनकी यह अपील कारगर रही। गहरे तनाव के बावजूद, जय श्री राम के नारों की गूंज के बावजूद, नगाड़ों के बावजूद, भगवा पट्टी से पूरी तरह से पसरे होने के बावजूद अमन बना रहा। सबसे बड़ी राहत यह रही कि स्थानीय लोगों की समझदारी कायम रही, उन्होंने अमन का, चैन का दामन नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि शोभा यात्रा के बाद मुस्लिम समुदाय ने जो भंडारा लगाकर भाईचारे का संदेश दिया, उससे यह साफ हो गया कि अगर स्थानीय लोग तनाव ना चाहें तो तनाव पैदा करना बाहरी लोगों के लिए मुश्किल होता है। यहाँ जब हम कह रहे हैं बाहरी लोग, ये हमारे शब्द नहीं हैं, इसे फतेहपुरी मस्जिद के जो शाही इमाम हैं उन्होंने कहा कि बाहरी लोग यहाँ का भाईचारा नष्ट करना चाहते हैं। वहाँ के स्थानीय जो हिंदू दुकानदार थे उन्होंने कहा कि हम नहीं, बाहरी लोग हैं जो नुकसान करना चाहते हैं। इन बाहरी लोगों के जो मंसूबे थे, जो पिछले 10-11 दिन से इस इलाके को पूरी तरह से एक ट्रायल रूम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वो उतना सफल नहीं रहा। स्कूटी खड़े करने को लेकर जो विवाद 30 जून से शुरू हुआ और उसे जिस तरह से एक सांप्रदायिक रंग दिया गया, वह बहुत खौफनाक नज़ीर है। और ख़ास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में, जहां संसद चल रही है, हिंदू मुसलमान मुद्दा जिस तरह से भाजपा ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उग्र हिंदू ब्रिगेड, ऐसे अनाम लोग जो भगवा कपड़ा पहनकर वीडियो जारी कर रहे थे और लगातार बोल रहे थे कि हिंदू जागो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बहू बेटियों पर मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है, इस तरह के व्हाट्सएप संदेश तमाम फ़ोन पे लगातार जा रहे थे, उससे साफ है कि हिंदू ब्रिगेड ने दिल्ली 6 को अपना अड्डा बनाने या यहाँ पर ध्रुवीकरण करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ था। इस विवाद के दौरान जिस हिंदू मंदिर पर पत्थरबाजी हुई थी और जिसके शीशे टूटे थे, जहां पर मूर्तियों को नुकसान हुआ था, उसे हिंदुत्व पर हमले के तौर पर प्रचारित प्रसारित किया गया। इसके लिए खुलकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया, पूरे इलाके में भय का माहौल बनाया गया। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हमला हो सकता है।
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जय भगवान गोयल के नाम से जो व्हाट्सएप संदेश भेजा गया वो कितना खौफनाक, कितना नफरत भरा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था, धर्म रक्षा हेतु हर हिंदू घर से निकले, अधिक से अधिक संख्या में त्रिशूल धारण भगवा पटका पहनकर सम्मिलित हो। भाजपा नेता विजय गोयल ने इस मामले को राजनीतिक मोड़ देने, ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की और एक तरफा गिरफ्तारियों ने मुसलमानों को बेहद खौफजदा किया। और ध्यान रहे कि यहाँ जो गिरफ्तारियां हैं उसमें नाबालिग बच्चे ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि यह एक टेस्ट केस था। देश भर में साझी विरासत के लिए मशहूर दिल्ली का दिल, दिल्ली 6 को निशाना बनाकर एक दूरगामी रणनीति तैयार की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दल वहां पे उतरे हुए हैं और दिल्ली 6 में जो कुछ हुआ और संसद में जिस तरह से इस तनाव को लेकर अनदेखी रही, या यूं कहिए कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कमिश्नर को बुलाया और पूछा कि क्या गिरफ्तारियां हो रही, उससे साफ लग रहा था कि राजनीतिक हस्तक्षेप कितना तगड़ा है। और उसके तुरंत बाद भाजपा नेता विजय गोयल ने सीधे सीधे जो बलीमरान से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इमरान हुसैन पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया, उससे लग रहा है कि यह मामला कुछ लंबा चलेगा। वो चाहते हैं कि यह तनाव बना रहे, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण रहे। जबकि जब हमने यहाँ पर पुलिस से बात की, स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो वो सीधे सीधे बता रहे थे कि इमरान हुसैन हिंसा फैलाने के बजाय जो लोग गुस्से में थे उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस का सहयोग दे रहे थे। इस तनाव भरे माहौल में अमन की आवाजें बुलंद रहीं। यह अमन जो आवाज उठा रहे थे, अमन पसंद लोग जो थे, वह कदम कदम पर नफरत की ताकतों द्वारा जो फैलाया जा रहा झूठ था, जो व्हाट्सएप सहित तमाम अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, उसका काट पेश कर रही थी। ये बहुत अहम है और इसे, इस संदेश को दूर तक ले जाना जरूरी है कि सच को लोगों तक पहुंचाना, जो अफवाहें उनका तुरंत काट होना, ये बहुत जरूरी है। पुरानी दिल्ली वालों की बातों के नाम पर एक वेब पोर्टल चलाते हैं अबू सुफियान, बहुत इंटरेस्टिंग इनका वेब पोर्टल है जिसमें पुरानी दिल्ली वालों की बातें अलग अलग ढंग से, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, पूरी जो दिल्ली के, पुरानी दिल्ली की जो पूरी संस्कृति है, साझा संस्कृति, इसको वो कवर करते हैं, खबरें दिखाते हैं। अबू सुफियान ने अपनी छोटी सी टीम के साथ छोटे छोटे वीडियोस बनाए और उन वीडियोस के जरिए अमन कायम करने की कोशिश की। तमाम तरह की जो अफवाहें चल रही थी, चाहे वो लिंचिंग को लेकर अफवाह हो, चाहे वो दूसरे तरफ से ये अफवाह हो कि लोगों पर हमला हो सकता है, ये सारी अफवाहों का काट किया। यहाँ तक कि शोभा यात्रा के समय भी उन्होंने एक छोटा वीडियो जारी किया जिसमें लोगों को बताने की कोशिश की कि ये मूर्ति प्रतिष्ठा क्या होती है, ये शोभा यात्रा के जरिए क्या होने वाला है, ताकि भय ना रहे, नौजवान उत्तेजित ना हो। उनका यह जो काम है यह निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। उन्होंने न्यूज़ क्लिक से बातचीत के दौरान बताया, हमारा टेक यही था कि हम अफवाहों को नलीफाई करें और वो सोशल मीडिया के थ्रू ही कर सकते थे। हमने एक हैशटैग कैंपेन चलाई, ओल्डली फॉर पीस और पीस हैशटैग कैंपेन हमने इस तरीके से चलाई और जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स थी हमने वो करा। और दूसरा काम हमने ये करा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे उनके राइट्स हमने ख़त्म करवा दिए एडमिन से, सिर्फ एडमिन ही उसमें पोस्ट कर सकता था। और कोई भी रूमर फैलती थी हम फौरन एक्शन लेते थे, हमारी टीम, और उस जगह पर जाके उसकी प्रेजेंट रिपोर्ट हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू हमने डाली। जिस टाइम पे बच्चों ने मंदिर के ऊपर पत्थर उछाले, फेंके, उस टाइम पे मंदिर के शीशे टूटे। हालांकि ये एक्ट बहुत गलत है, किसी भी धर्मस्थल पर नहीं होना चाहिए। और जब पत्थर टूटे तो उसके बाद वहीं के गली के मुकामी गली के लोगों ने उसकी मंदिर की वीडियो रिकॉर्ड करी और दो वीडियोस डॉक्टर्ड करी गई, एक 400-500 लोगों की जो पुलिस स्टेशन के पास इकट्ठे थे जस्ट फॉर द अदर केस। ये दो केस हैं, इसको एक केस की तरह मत देखें, एक स्कूटर का केस है और दूसरा मंदिर के ऊपर पत्थर उछालने का केस है। इन दोनों केसों को मिक्स करा गया अपने बचाव के लिए, या जो भी आप कह सकते हैं मीडिया हाइप के लिए। और इसको उन्होंने जो 200-300 लोग थे उनको वो वीडियो उठाई
और जो मंदिर की वीडियो थी टूटे हुए की, पत्थर के शीशे टूटे हुए की या मूर्ति खंडित की, वो वीडियो उठाई, उसको कंबाइन करा और उसको सोशल मीडिया पे चलाई और उसका पूरा कैंपेन चलाया गया टेंपल टेरर अटैक के नाम से। और मैसेजेस फॉरवर्ड करे गए कि यहाँ पे गली में घुस के तलवारें लेके घुसे हैं मुसलमान, और इस तरीके से बहन बेटियों को मारा है, और मंदिर तोड़ा गया है, जलाया गया है, डेमोलिशन करा है, इस तरीके की खबरें अगले दिन ट्विटर के ऊपर आनी शुरू हुई। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं जिनको मिलाया गया। तो हमारा काम बस यही था, बींग अ लोकल, क्योंकि हम सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते थे, वी आर नॉट फ्रॉम अ सोशल मीडिया यूज़र हु सिंपली क्लिक ऑन द शेयर बटन और रिट्वीट बटन और हमारा काम हो गया और आग भड़क गई। हम आग बुझाने वाले लोगों में से। दिल्ली 6 के निवासी और थिएटर आर्टिस्ट फिल्म मेकर लोकेश जैन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलतफहमी दूर करने की जो तमाम कोशिशें चल रही थीं उसमें हिस्सेदारी की, दुकानदारों को शामिल किया, हिंदू दुकानदारों को शामिल किया, और वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि एक कल्चरल प्रोग्राम भी हो ताकि नफरत का जो माहौल है इसे तोड़ा जा सके या जो एक दूसरे के प्रति संदेह है इसे कम किया जा सके। ये जो सारी उम्मीदें चली यहाँ पर, सारी कोशिशें चली, जो आस की उम्मीद बनाई गई, ये दिल को तसल्ली देती है। न्यूज़ क्लिक ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह की साझी संस्कृति इस इलाके की रही है और उसे बचाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये जो जगह है, ये आप दरवाज़ा देख रही हैं जो इतना बड़ा, ये सब जीनत महल है। बहादुर शाह जफर की सबसे जो लास्ट वाइफ थी उनके नाम पर टेम्प्रेरी रूप से ही जो है यहाँ पर रहा करती थी, उस टाइम की वो हिस्ट्री है। पीछे जो आप गली देख रही हैं इसके पीछे जो है फर्राश खाना है। तो अगर आप कृष्णा सोबती का दिलो दानिश पढ़ें तो उस फर्राश खाने का जिक्र जो है उसमें आता है, जिसमें एक काइस्त परिवार और एक मुस्लिम परिवार के बीच का जो रिश्ता है पूरा दिखाते हैं। इससे आगे आप चली जाएंगी तो गली कासिम जान है, जहाँ मिर्ज़ा गालिब साहब रहा करते थे। ये सामने जो गली है इसके अंदर आप जब 15 अगस्त पे आएंगी तो इतनी सारी पतंगे बनती हैं, ना जाने क्या क्या है। तो यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ पे हर एक जगह पर एक तारीख है, और वो तारीख जो है लोग सीना दर सीना अपने साथ लेके चलते हैं। तो मैं ये बात बोलूँगा कि जो पुरानी दिल्ली के अंदर एक बात कही जाती है कंपोजिट कल्चर वाली, कंपोजिट कल्चर इसीलिए है कि यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग, हिंदू, सक्सेना और अपने सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, हर तरह के जैन, हर तरह के लोग मिलके यहाँ पर सदियों से रहते चले आए हैं। और वो जो उसके अंदर रोज़मर्रा की जो कल्चर है, कल्चर वही है, चाहे वो खाने पीने का कल्चर हो, चाहे वो बोलचाल का कल्चर हो, चाहे वो रोज़मर्रा की बातचीत घसी टिटोली का कल्चर हो, चाहे वो 15 अगस्त पर पतंग उड़ाने का कल्चर हो, चाहे वो मुहर्रम के दरमियान यहाँ पर हिंदू भी शिरकत करते हैं उसका कल्चर हो, चाहे रामलीला के दरमियान मुसलमान भी यहाँ पर आके अपनी तमाम खाने पीने में हर चीज़ में अपनी योगदान देते हैं उस चीज़ का कल्चर हो। तो वो गंगा जमनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, जो रवायत की बात करते हैं, जो जीनत महल है, और बराबर में इसी जीनत महल के अंदर वो मंदिर भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप में एक मिश्रण को बताती हैं। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने भी जो भूमिका निभाई उसकी काफ़ी सराहना शुरू से हुई। जिस समय यह विवाद हुआ उस समय उन्होंने संदेश दिया कि मंदिर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुस्लिम समुदाय करेगा। हालांकि इसे लेकर कई हिंदू युवक जिनसे हमने बातचीत की उन्होंने बहुत तंज भरे माहौल में बात की, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह अमन चाहते हैं तो हम भी नफरत नहीं चाहते। यानी वह जो बताना चाहते थे वह संदेश नीचे तक गया। और शाही इमाम ने एक बहुत अहम बात कही कि जो नफरत फैलाने का कारोबार करने वाले लोग हैं ये पेशेवर हैं, इनका मकसद ही है कि तनाव हो और इनसे लड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आस्था की बात है, हमारे धर्म की बात है, लिहाजा हम ही लोग बनाएंगे और हमें कोई शिकायत नहीं है। बहरहाल आपने ऑफर कर दिया है लेकिन हम खुद ही इस काम को करेंगे। वो तो जैसे बिजनेस होता है ना, अब किसी का बिजनेस अगर है तो वो तो उस काम में लगेगा। कुछ झगड़ा कराने वालों का बिजनेस वो झगड़ा कराने का ही होता है, कुछ नारे लगाने वालों का बिजनेस वो नारे लगाते हैं, वो तो अपना अपना बिजनेस है। जिनका बिजनेस है वो वही काम करते रहते हैं। कुछ हथियार बनाते हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनका बिजनेस ये है कि हथियार बेचते रहते हैं। इधर झगड़ा करा दिया उसको बेच दिया, उधर झगड़ा करा दिया उसको बेच दिया।
यहीं रहने वाली सना सुल्तान का भी जो कहना है वह सोचने पर मजबूर करता है कि जब पूरा देश लिंचिस्तान में तब्दील हो रहा है, तब किस तरह से जो मुस्लिम युवा है, जो मुस्लिम महिला है, वो इस तनाव को कैसे झेल पाएगा, किस तरह से जो हमारी साझी विरासत है उसे हम कायम रख पाएंगे। जी, ये तनाव बनाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जैसे बात करी है, और आप देखेंगे सब लोग मुस्लिम हिंदू दोनों एक साथ रहते हैं, बट अभी भी आप हम लोग अभी मंदिर के पुजारी जी से बात कर रहे थे, वहाँ के जो यंगस्टर थे उनमें अभी भी वही गुस्सा है, लेकिन जो उनके बड़े लोग हैं वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब पीसफुली निमटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी जो यंग जनरेशन है वो अभी भी उनमें वही गुस्सा दिख रहा है। आप यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ पुरानी दिल्ली में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम की, बट आप यहाँ से बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पे भी ये गुस्सा आपको दिखाई देता है। तो बाहर जो तनाव है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये जो मॉब लिंचिंग चल रही है वही, ये उसी का ही एक रूप है, उसी को बढ़ाने की जो एक साजिश है ये। अच्छी पहलकदमियों के बीच यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नौजवानों के बीच दूरियां पैदा करने में नफ़रत के ये सौदागर, ये जो तमाम टीम काम कर रही थी, चाहे वो व्हाट्सएप पे काम कर रही हों, चाहे वहाँ पे उतर के काम कर रही हों, चाहे पूरे इलाके को जबरन भगवा रंग में तब्दील करने की कोशिश कर रही हों, नफ़रत इन्होंने फैलाई है, दिलों में दूरियां इन्होंने पैदा की हैं, और नौजवान इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में जिस तरह का तनाव दिल्ली 6 ने देखा, उसने हम सबको बहुत परेशान किया, और जिस तरह से एक ही समुदाय को नीचा दिखाने दबाने की कोशिश पूरे देश भर में की जा रही है, उसे समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर अमन चाहिए तो सिर्फ उसे झुकना होगा, यह बहुत तकलीफ देह है। और डर यह है कि जो हमारी साझी संस्कृति का ताना बाना है कहीं वह दरक तो नहीं जाएगा। हालांकि दिल्ली 6 से संदेश साफ है, कम से कम अभी तो, कि नफरत फैलाना इतना आसान नहीं होता अगर अमन की ताकतें एकताबद्ध हों।